सो वेलकम बैक टू फन इन्फो मैट्रिक्स चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ उन वीडियोस के बारे में। अगर आप उस तरह की वीडियोस आप बनाओगे तो लाइफ टाइम के लिए आपकी वो इनकम जनरेट करती रहेगी, डॉलर्स बनाती रहेगी, जिसे हम कहते हैं पैसिव इनकम। आप काम नहीं भी कर रहे होगे, आप बीमार हो, कुछ इमरजेंसी है, आप वीडियोस नहीं भी बना रहे हो, तब भी वो वीडियोस जो पुरानी आपने बनाई हुई है वो धड़ाधड़ कमा के आपको देती रहेगी, डॉलर्स कमाती रहेगी। ऐसी वीडियोस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं और जानते हैं उन वीडियोस के बारे में, कौन सी वो वीडियोस हैं जिनको आप बनाओगे तो आपके जिंदगी भर के लिए वो डॉलर्स आपके लिए वो कमाती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको अर्निंग से रिलेटेड सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, वो कौन सी वीडियोस होती हैं जिनको आप बनाओगे तो आपके जिंदगी भर के लिए वो आपके लिए डॉलर्स कमाती रहेंगी, डॉलर्स बनाती रहेंगी? वो वीडियोस हैं एवरग्रीन वीडियोस। एवरग्रीन वीडियोस माय फ्रेंड्स, वो वीडियोस होती हैं अगर आप जिनको आप बनाते हो तो वो जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए वो डॉलर्स आपके लिए बनाती रहती है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं, देखिए इसमें दो टाइप की वीडियोस होती हैं, एक होती है ट्रेंडिंग वीडियोस और एक होती है एवरग्रीन वीडियोस। ट्रेंडिंग वीडियोस बेसिकली क्या होती है, जो ट्रेंड में टॉपिक चल रहा है उसमें आप अगर वीडियो बनाते हो तो आपको ज्यादा व्यूज मिलते हैं, ट्रेंडिंग में आते हैं। जैसे कोई भी न्यूज चल रही है उसके बारे में आपने अगर वीडियो बना ली, कोई भी लेटेस्ट गैजेट आया है, लेटेस्ट मोबाइल आया है, उसके बारे में आपने वीडियो बना ली, तो वो ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो आपको व्यूज आ जाएंगे। उसमें भी देखिए टफ कंपटीशन होता है, वो गारंटी नहीं होती व्यूज आएंगे या नहीं आएंगे, बट ट्रेंडिंग टॉपिक होता है, कंटेंट आपका अच्छा हो तो आपका सर्च में आ जाता है। ट्रेंडिंग में बेसिकली ये फायदा होता है कि ट्रेंडिंग में एक बार ही आया, आपको व्यूज ज्यादा मिल गए, आपको सब्सक्राइबर्स ज्वाइन कर गए। ट्रेंडिंग टॉपिक से बेसिकली क्या फायदा होता है कि आपको जल्दी व्यूज मिल जाते हैं और जल्दी सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं, क्योंकि वो ट्रेंडिंग में टॉपिक है तो आपका सर्च में आराम से आ जाता है और आपको व्यूज और सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं और आपके चैनल की ग्रोथ हो जाती है। बट ट्रेंडिंग का नुकसान बेसिकली क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद वो स्लो हो जाता है और वो ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं रहता है, तो उसके बारे में कोई नहीं पूछता और वो जो आपकी पुरानी वीडियोस होती है वो कुछ टाइम के बाद डेड हो जाती है, उसे कोई नहीं देखता और वो डॉलर्स आपको कमा के नहीं देती है। अब वहीं पे मैं आपको बताने जा रहा हूं एवरग्रीन वीडियोस के बारे में, ध्यान से सुनिएगा, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन एवरग्रीन वीडियोस के बारे में दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो जिंदगी भर के लिए आपको कमा के दे तो एंड तक वीडियो देखिएगा। माय फ्रेंड्स, एवरग्रीन वीडियोस कौन सी होती है? ये वीडियोस वो होती हैं जो हमेशा के लिए एवरग्रीन रहती है, मतलब कि जवान रहती है और आपको कमाई करके देती है। एवरग्रीन वीडियोस में कौन सी वीडियोस आती है? एवरग्रीन वीडियोस में आती है हाउ टू वाली वीडियोस, जैसे मतलब कैसे वो चीजें बनती हैं। इसमें एजुकेशनल वीडियोस भी आती हैं, मोटिवेशनल वीडियोस भी आती हैं, आपने कोई हेल्थ के टिप्स दिए वो भी एवरग्रीन में आता है, क्योंकि देखिए हेल्थ के टिप्स हमेशा लोग देखेंगे ही देखेंगे। पेट खराब हो गया कैसे ठीक करें, उससे रिलेटेड कोई ना कोई सर्च करेगा। हाउ टू स्टे फिट, हाउ टू डू एक्सरसाइज, हाउ टू डू मॉर्निंग वॉक, समथिंग ऐसे हाउ टू वाले, तो ये वीडियोस चलती ही चलती हैं क्योंकि ये एवरग्रीन होती हैं और इसमें का जो कंटेंट है वो हमेशा के लिए लोग देखेंगे, इससे रिलेटेड हमेशा सर्च करेंगे। इंफॉर्मेटिव होगी, एजुकेशनल होगी, लोग सर्च करेंगे। कुकिंग की वीडियोस होगी, प्रोडक्ट के रिव्यूज हो गए, जो बेसिकली गैजेट्स हैं जो हमेशा के लिए, अभी जैसे कुछ गैजेट्स होते हैं वो 5 साल 10 साल तो रहते ही रहते हैं मिनिमम, तो उनके रिव्यूज हैं, लोग देखते हैं, तो वो जो है एवरग्रीन वीडियोस में आ जाता है। हाउ टू वाली है वो तो वीडियोस चलती ही चलती हैं, वो एवरग्रीन में ही रहती है। एवरग्रीन वीडियोस में माय फ्रेंड्स इसमें आ जाता है देखिए एजुकेशनल वीडियोस हैं, एजुकेशन जो भी आप दे रहे हैं वो हमेशा ही एजुकेशन देने वाली वीडियोस हमेशा लोग देखते ही रहेंगे। इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगी वो भी लोग देखते रहेंगे। इवन कई कुकिंग वाली भी वीडियोस चलती रहती है, देखिए कुकिंग वाली जो अच्छी अच्छी वीडियोस होती हैं वो भी हमेशा जिंदा ही रहेंगी, वो चलती ही रहेंगी। कहीं पे देखिए वीलॉग्स नहीं ज्यादा चलते हैं, हाँ वीलॉग्स में अगर वही चल सकते हैं जो बेसिकली आपने कहीं किसी प्लेस पे गए वहां पे बताया कि यहाँ पे ये प्लेस है, यहाँ पे यहाँ ठहर सकते हैं, तो वो भी बेसिकली कुछ टाइम तक वो भी चल सकती हैं। मोटिवेशनल है वो तो हमेशा ही चलती रहेंगी, मोटिवेशनल वाली तो आपको पता है आजकल सब लोग कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहे हैं, सैड हो जाते हैं, तो मोटिवेशनल वाली पीसफुल वाली वीडियोस हमेशा के लिए वो चलती रहेंगी और हमेशा ही वो एवरग्रीन रहेगी। तभी आपने मोटिवेशन के कई चैनल देखे होंगे, उनके व्यूज आते ही रहते हैं और एवरग्रीन रहती हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस वाली वीडियोस भी कुछ होती हैं, वो भी चलती रहती हैं। कुछ प्रोडक्ट रिव्यूज हैं, वीडियोस चलती रहती है क्योंकि प्रोडक्ट रिव्यूज आपको पता है जो प्रोडक्ट मार्केट में है और चल रहा है कुछ सालों तक, चल रहा है 10 साल या 20 साल तक वो प्रोडक्ट चल रहा है, तो वो भी एवरग्रीन में ही आ जाता है। तो ऐसे टॉपिक्स आप चुनिए जो लोग हमेशा के लिए सर्च करते रहे और वो कभी डेड ना हो, तो अगर आप उन वीडियोस में आप बनाओगे तो वो एवरग्रीन रहेगी। कंटेंट आपका अंदर अच्छा होना चाहिए, जितना बढ़िया आप
आपका कंटेंट होगा उतना ही गूगल और यूट्यूब सर्च में भेजेगा। एल्गोरिथम ऐसे ही काम करता है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए और अच्छी तरह टैग्स को यूज करिए, अच्छी तरह डिस्क्रिप्शन लिखिए, कीवर्ड्स प्रॉपर यूज करिए, तो डेफिनेटली वो वीडियो आपकी हमेशा के लिए जिंदा रहेगी और आपको डॉलर्स कमा के देती रहेगी और पैसिव इनकम आपकी जनरेट होगी और एवरग्रीन वीडियोस होंगी। एवरग्रीन वीडियोस जो होती है ना माय फ्रेंड्स, वो एकदम व्यूज जनरेट नहीं करती, उसको टाइम लगता है। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूं, देखिए मेरी वीडियोस कैसे एवरग्रीन है। मेरी ऐसी 3-4-5 वीडियोस हैं जो एवरग्रीन है। अब ये देखिए, ये है वाटर डिस्पेंसर की वीडियो। मैंने वाटर डिस्पेंसर की वीडियो बनाई थी, हाउ टू इंस्टॉल वाटर डिस्पेंसर, अनबॉक्सिंग की थी, इसका रिव्यू किया था वाटर डिस्पेंसर की। और आज देखिए, आज भी ये कंटिन्यूस चल रही है, 1,00,000 से ज्यादा इसके व्यूज हो चुके हैं और कंटिन्यूस चल रही है और कंटिन्यूस मेरे लिए ये डॉलर जनरेट कर रही है। यहीं पे ही मैंने क्लीनिंग की भी वीडियो बनाई थी वाटर डिस्पेंसर की, ये भी देखिए लगातार चल रही है, 80,000 से ज्यादा इसके व्यूज हो चुके हैं और अभी भी कंटिन्यूस काम कर रही है। मोबाइल स्क्रीन रिपेयर की बनाई थी, वो भी देखिए लगातार चली जा रही है। तो ऐसी कई वीडियोस हैं जो मेरी एवरग्रीन है और कंटिन्यूस काम कर रही है, क्योंकि ये जो कंटेंट जो मैंने बनाया है ये हमेशा लोगों को हेल्प करता रहेगा हमेशा के लिए। जब तक ये प्रोडक्ट रहेगा, जब तक यूट्यूब रहेगा, तब तक ये इंफॉर्मेशन देता रहेगा और लोगों की हेल्प करता रहेगा। जब तक लोगों की हेल्प करती रहेगी ये वीडियो, तब तक ये डॉलर्स जनरेट करती रहेगी। मैं आपको यही कहना चाहूंगा। अब आप कहेंगे कि ट्रेंडिंग वीडियोस बनाएंगे, एवरग्रीन वीडियोस बनाएं। मैं आपको एडवाइस करूंगा माय फ्रेंड्स, दोनों वीडियोस बनाओ। ट्रेंडिंग वीडियो से क्या बेसिकली फायदा होता है, ट्रेंडिंग से ये होता है कि ट्रेंडिंग टॉपिक पे बनाया है तो आपका सर्च में जल्दी आपका चैनल आ जाएगा, सब्सक्राइबर जल्दी आ जाएंगे, व्यूज आपको जल्दी जल्दी मिल जाएंगे। साथ में आप एवरग्रीन भी वीडियोस बनाते रहिए, वो कभी डेड नहीं होगी और आपको हमेशा इनकम जनरेट करती रहेंगी। आप बीमार भी हो जाएं, आप इमरजेंसी में हैं, आप वीडियोस नहीं बना पा रहे, तब भी वो इनकम जनरेट करती रहेंगी। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, दोनों टाइप की वीडियोस बनाओ ताकि आपका चैनल भी धड़ाधड़ आपका ग्रो करे और साथ में वो एवरग्रीन वाली वीडियोस आपको इनकम जनरेट भी करती रहे। एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगा, एवरग्रीन वीडियोस जो है वो कुछ टाइम के बाद डेड हो जाती है अगर आप उनका ध्यान ना रखें, क्योंकि जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो चेंज होता रहता है, तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ कई और भी वीडियो दूसरे बना रहे हैं तो लेटेस्ट जो है वीडियोस भी आ जाती हैं। आप उसमें कुछ ना कुछ पुरानी जो वीडियोस हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंज करते रहिए, जैसे टाइटल चेंज कर दिया, थंबनेल चेंज कर दिया, डिस्क्रिप्शन में कुछ और ऐड कर दिया, टैग्स थोड़े एक्स्ट्रा लगा दिए, तो ये अपनी पुरानी वीडियो जो आपकी चल रही थी और चल रही है उन पे कुछ ना कुछ थोड़ा मोटा चेंजेस करते रहिए, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम चेंज होता रहता है और वो नए जो वीडियोस हैं उनको पुश करता है। तो जो आपकी पुरानी वीडियोस हैं उसमें अगर आप कुछ ना कुछ नया डालते रहेंगे, कुछ नया नया ऐड करते रहेंगे, टैग्स हो गए, डिस्क्रिप्शन हो गया, कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहेंगे, तो वो हमेशा के लिए वीडियोस आपकी चलती रहेंगी और एवरग्रीन रहेंगी और आपकी ये पैसिव इनकम बन जाएगी। अगर आप काम नहीं भी कर रहे हैं तब भी वो वीडियोस आपकी चलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, ये थी इंफॉर्मेशन ट्रेंडिंग वीडियोस के बारे में और एवरग्रीन वीडियोस के बारे में। तो ट्रेंडिंग वीडियोस भी बनाओ, एवरग्रीन वीडियोस भी बनाओ, बट एवरग्रीन में ज्यादा फोकस करो। जब आपका मोनेटाइज हो जाता है, अच्छे सब्सक्राइबर्स आपके बन गए हैं, तो एवरग्रीन वाली ज्यादा वीडियोस बनाओ ताकि आपको हमेशा वो डॉलर्स कमा के देती रहें। ट्रेंडिंग भी साथ साथ में बना लो ताकि आपका चैनल ग्रो करता रहे। तो फ्रेंड्स, आई होप ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी और आपके चैनल की ग्रोथ होगी। तो धड़ाधड़ वीडियोस बनाइए, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाइए, डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे और 101% आप ग्रो करेंगे। कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ क्वेरी आती है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फन इन्फो मैट्रिक्स 1 पे। हम सबकी हेल्प करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं आपका चैनल जल्दी जल्दी ग्रो करे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई टिप के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।